चार धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। अब वीआईपी दर्शनों की व्यवस्था को खत्म किया गया है और भारी भीड़ को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। पीएम ऑफिस ने भी इसको लेकर निर्देश दिए। एक कंपनी यात्रा मार्ग पर तैनात भी की गई है। अब इसके पीछे वजह यह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार चार धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। बीते दो सालों में कोरोना के चलते पाबंदियां बहुत ज्यादा थी, ऐसे में यात्रा काफी प्रभावित हुई और इस साल रिकॉर्ड टूटते हुए प्रतीत हो रहे हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आ रहे हैं, ऐसे में कई समस्याएं भी पेश आ रही हैं और समस्या ये है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में प्रशासन लगा के और इस बीच प्रयास किया जा रहा है कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। वीआईपी दर्शनों की व्यवस्था को खत्म किया गया है क्योंकि देखा गया कि बड़ी संख्या में वीआईपी दर्शन हो रखे थे जिसका कि विरोध वहां पर पहुंचे आम श्रद्धालुओं की तरफ से किया गया था। अब वीआईपी दर्शनों की व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया है। इस बार जो हमारी यात्रा चली है वो यात्रा पिछले दो सालों से चल नहीं पा रही थी और दो सालों से यात्रा नहीं चलने के कारण से लोग घरों में अपने रुक गए, बाहर नहीं निकल पाए। अब सबको लगता है कि उत्तराखंड जाना है, उत्तराखंड जाकर देव दर्शन करने, धामों में जाना है, अन्य स्थानों पर जाना है, तो सबका रुख उत्तराखंड हो रहा है। और हम लोग पिछले दो महीने से मैं लगातार कह रहा हूं कि इस बार की यात्रा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि जब हम ये यात्रा से संबंधित जितनी भी हम बैठकें कर रहे थे उन सब मीटिंगों में हमने होटल वालों के साथ मीटिंग करी, टैक्सी वालों के साथ, परिवहन, पर्यटन, गाइड, ये जितने भी लोग यात्रा से जुड़े हुए हैं सबके, जब हमने उनसे पूछा कि आपके यहां बुकिंग की क्या स्थिति है, तो आज से डेढ़ महीने पहले अधिकांश होटलों की बुकिंग हो चुकी थी यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले, टैक्सियों की बुकिंग हो चुकी थी। चार धाम यात्रा से जुड़ी एक और बड़ी खबर, उत्तराखंड में चार धाम यात्रा जारी है और चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं को राहत देने में प्रशासन लगा के सरकार ने वीआईपी दर्शनों की व्यवस्था को बंद कर दिया है। अब वीआईपी दर्शनों की व्यवस्था को बंद कर दिया गया है, बाकायदा इसको लेकर ऐलान हुआ है और बड़ी समस्या ये देखी गई कि वीआईपी दर्शनों का विरोध वहां पहुंचे आम श्रद्धालुओं ने किया क्योंकि इस बार बहुत भारी भीड़ चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रही है और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अब प्रशासन की तरफ से खास व्यवस्थाएं, खास इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले की तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, लेकिन क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है ऐसे में व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की जरूरत भी नजर आ रही है। बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, वीआईपी दर्शनों को बंद किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, काफी समस्याएं भी पेश आ रही हैं, लेकिन सरकार का ये बड़ा फैसला कितना कारगर? हाँ देखिए आरती, चारधाम यात्रा चल रही है और क्योंकि दो साल तो यात्रा बंद रही थी और लोग इंतजार कर रहे थे कि कब कोविड काल खत्म हो और कब यात्रा पर वो जाएं, चारधाम की यात्रा करें, तो अब लगातार चारधाम यात्रा सुचारू रूप से तो चल रही है। लेकिन कुछ शिकायतें मुख्यमंत्री को मिल रही थी, वो ये थी कि वीआईपी और वीवीआईपी जो लोग हैं उनको बाबा धाम में दर्शनों के लिए बहुत सुविधाएं दी जा रही थी और जो दूर दूर से दूसरे राज्यों से श्रद्धालु आ रहे थे वो दर्शन नहीं कर पा रहे थे बाबा के। तो कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे श्रद्धालुओं ने अपनी वीडियो को वायरल किया, ये वीडियो वायरल हुई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसका संज्ञान लिया और उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया थी क्योंकि बहुत दूर से किसी राज्य से कोई श्रद्धालु अगर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए आता है और वो दर्शन ना कर पाए तो ये बहुत ही खेद वाली बात होती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये आदेश दिए हैं कि अब जो वीआईपी या वीवीआईपी लोग हैं उनको इस तरह की सुविधा ना दी जाए, इस पर रोक लगा दी जाए। तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं एक पंक्ति में हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो ये सुनिश्चित किया जाए और ऐसा हो भी रहा है। अब करीब 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड में चारधाम यात्रा कर चुके हैं और करीब 18 लाख ऐसे रजिस्ट्रेशन है जो अभी भी उत्तराखंड में आने हैं श्रद्धालु, उनका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन एक और समस्या यहां आ रही है हेल्थ को लेकर के, तो इस पर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो बॉर्डर एरियाज हैं यानी दूसरे प्रदेशों से उत्तराखंड की जो सीमाएं लगती हैं जहां से श्रद्धालु या यात्री उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करते हैं,
तो वहाँ हेल्थ के सेक्टर की ओर से वहाँ पर हेल्थ स्क्रीनिंग लगाई जाएगी, तो जो जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उसको यहीं पर रोका जाएगा, ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा दूसरे राज्यों में और उत्तराखंड के राज्य में मौसम में बहुत परिवर्तन होता है। अमूमन लोग जब दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आते हैं तो यहाँ क्योंकि ठंडा मौसम होता है केदारधाम में या बद्रीधाम में, तो यहाँ आकर के बीमार हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी जो यात्री हैं जो मिले हैं, क्योंकि ऊपर केदारधाम में थोड़ा सा ठंड का माहौल है तो कुछ सांस लेने की दिक्कत है, ऑक्सीजन की कमी आती है, तो 11 ऐसे मरीज हैं, श्रद्धालु हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। बहरहाल यात्रा अभी सुचारू रूप से फिलहाल चल रही है। तो यात्रा सुचारू चले इसको लेकर प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि पूरी तैयारियां कर ली गई है। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत से रास्ते ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से अगर कोई भी दुविधा आती है तो क्या रेस्क्यू के पूरे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पहले भी देखा गया कि भूस्खलन एक समस्या बना है। तो चलिए हम फिर राव शफात का रुख करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ऐसे में कई तरह की समस्याएं भी पेश आ रही हैं, कई समस्याओं का समाधान प्रशासन ने किया है। बहुत ज्यादा ऐसे यात्री भी पहुंच रहे हैं जिनकी सेहत उनका साथ नहीं देती, क्योंकि एक तो बड़ी ऊंचाई पर उन्हें यात्रा करने के लिए जाना है, दूसरा मौसम भी साथ नहीं देता। तो ऐसे में ऐसे लोग जो कि दूसरी बीमारियों से ग्रस्त हैं या बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं कहे जा सकते, उनको ऊंचाई पर जाने से रोका जा रहा है। चारधाम यात्रा में खास व्यवस्थाएं, खास इंतजाम किए गए हैं और जिन जगहों पर भूस्खलन होता है वहां पर भी खास इंतजाम किए गए हैं।